हेलो so, फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है नेशनल इनकम का प्रोडक्शन मेथड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड तीनों आपने अच्छे से कर लिया होगा और आपको तीनों के फॉर्मूले भी अच्छे से लर्न हो गए सब कुछ सीख लिया है तो आज की क्लास में मैं इन तीनों मेथड से जो भी मिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पे प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर मेथड का मल्टीपल यूज होगा और जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बच चुके हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे बिफोर एग्जाम जरूर देख के जाना चाहिए आपको वो डिस्कस करूंगा और आज क्लास हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा इसके बाद जो एक रियल जी नॉर्मल पी जी है वहां पर सिंपल सा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आता है जब हम पढ़ेंगे फ्लेटर और प्राइस इंडेक्स तब हम उसकी बात करेंगे और होपफुली नेक्स्ट थ्री क्लासेस के अंदर हम पूरी तरीके से नेशनल इनकम खत्म करेंगे जिसका वेटेज अप्रोक्सिमेटली टेन मार्क्स का है बोर्ड एग्जामिनेशन में तो so, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेवन सबसे पहला जो यहां पे क्वेश्चन है ये प्रोडक्शन मेथड का है और क्या है क्वेश्चन जरा पढ़ के देखते हैं क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल्स प्लस चेंज स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजप्शन और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एन वी निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारी मजबूरी है कि प्रोडक्शन मैथड को लगा के हम जीवीएम पहले निकालेंगे और जीवीएम जब हमको मिल जाएगा तो जी को कन्वर्ट कर देंगे किसमें क्लास एन में हमारा आंसर आ जाएगा तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ और इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्मूला क्या है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक अब देखते हैं सेल्स क्या है इसके इस क्वेश्चन में सबसे पहला यहां पे डोमेस्टिक सेल देश के अंदर बेचा आपने 1200 का सामान प्लस फिर आपने एक्सपोर्ट भी किया हुआ कुछ एक्सपोर्ट किया आपने 200 का अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है तो आपको यहां पे ऐड कर देना अगर होगा तो तो ये रहा गुड्स लास्ट में लिखा है, 10 है, 10 है. तो गुड्स क्वेश्चन तो तो में देखो दे रखा है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक यही है चेंज इन स्टॉक सिक्सटी ठीक है तो ये हो गया क्लास आपका सिक्सटी चेंज स्टॉक इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक या इनक्रीज स्टॉक भी हो सकता है ये आपका आ गया सिक्सटी तो ये कंप्लीट आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट सो ट्वेल्व हंड्रेड प्लस टू फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड सेवेंटी वन फोर सेवन जीरो ठीक है बारह सौ दो सौ चौदह सौ दस प्लस साठ सत्तर चौदह सौ सत्तर फोर्टीन सेवेंटी ठीक है तो ये हो गया क्लास आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट अब निकालते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है दूसरा हमें क्या निकालना है इंटर ट कंजप्शन यानी कि परचेजिस ऑफ रॉ मटेरियल तो इसके अंदर क्या क्या होगा सबसे पहला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट भाई डोमेस्टिक मार्केट का मतलब क्या है आपने इंडिया से ही परचेज किया है ठीक है, है, है फिर इंपोर्ट ऑफ रॉ मेटेरियल है वन ट्वेंटी इंपोर्ट ऑफ रॉ मेटेरियल कितना है क्लास वन ट्वेंटी है फिर डोमेस्टिक सेल से ही तो आएगा नहीं रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिप्रिशिएशन होता है ध्यान रखना रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रीशिएशन ओके और पावर चार्जेस भी इसी में ऐड होगा ट्वेंटी और इंपोर्ट ऑफ मशीनरी नहीं होगा पावर चार्जेस भी इसी में ऐड होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऐड होता है मैंने बताया भी था आपको और फॉमूले में क्या होगा क्लास आईसी माइनस होता है तो ये भी माइनस होगा भी दिखाऊंगा मैं इंपोर्ट ऑफ मशीनरी लेंगे नहीं क्योंकि क्लास मशीनरीज ऑफ फाइनल गुड्स तो ये नहीं लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो इंडरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी दे रखा है आपको और बस ये सारी चीज़ दे रखिए तो ये कितना क्लास आएगा 400 500 540 ये क्लास कितना आएगा 540 540 की क्लास आ गया 400 540 या आ गया इंटरमीडिएट कंजप्शन तीसरा हम निकालेंगे जी वी एम पी जिसका फॉर्मूला है वी ओ माइनस आई सी तो वी ओ वैल्यू ऑफ आउटपुट ये हो गया माइनस आई सी फाइव फोर्टी तो फोर्टीन सेवनटी माइनस फाइव फोर्टी माइनस करो 1470 सेवनटी माइनस फाइव फोर्टी इट्स नाइन थर्टी तो 930 आ गया क्लास आपका जी वी एम पी अब तुम्हें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है क्लास आ, पूछा गया एन वी एफ सी एन वी एफ सी पूछा क्या है एन वी एफ सी और गिवन क्या है जी वी एम पी जी से N में जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन वी ए वी ए सेम है एम पी से एफ सी मानने के लिए माइनस एन आई टी तो जी वी ए है क्लास कितना 930। माइनस डेप्रीशिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल

तो माइनस -50 कर दिया आपने 880 फिर ये माइनस का 10 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का 30 हो गया तो सीधा क्लास से माइनस -20 ले लो तो ये माइनस -20 और माइनस प्लस +20 हो जाएगा तो मेरा आंसर क्लास आ गया 900 आप चेक कर लो 900 ठीक तो इस तरीके से क्लास आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो सबसे पहले आपने Uh, जो क्वेश्चन मांग रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट वो निकाला आईसी निकाला फिर जीवीएमपी का फॉर्मल लगाया प्रोडक्शन मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन और जब जीवीए क्लास एमपी निकल गया फिर तो आप चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो आपने एनवीएफसी में कन्वर्ट कर दिया जीवीएमपी को ओके okay? तो इस तरीके से क्लास आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है वह कैल्कुलेट जीएनपी एमपी बाइ इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखो दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आता है तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मैथड लगा के क्लास हम लोग निकालेंगे क्या कुछ भी निकाल सकते हैं इन्होंने जीएनपी एम पी बोला है तो जीएनपीएमपी निकाल लेते हैं दोनों मैथड को लगा के ठीक है चलो तो यहां पे एक काम करते ऐसे लाइन खींच देते ऊपर निकाल लेते इनकम मेथड और ये है एक्सपेंडिचर मेथड इनकम और एक्सपेंडिचर ठीक है तो अब इनकम मेथड से निकलेगा या क्या एनडीपीएफसी एक्सपेंडिचर मेथड से जी डीपीएमपी तो इनकम मेथड में सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एंप्लॉइज लेते हैं आप देखो फॉर्मुला करते किस तरीके से इनकम मेथड में सबसे पहले जो मुझे ढूंढना है वो ढूंढना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर दे रखा है तो अच्छी बात है नहीं तो क्लास आपने वेजेस सैलरी और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया है तो मुझे वेजेस एंड सैलरी 520 और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मत लेना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है क्लास वेजेस एंड सैलरी फाइव और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हंड्रेड फाइव और हंड्रेड ठीक है फाइव प्लस हंड्रेड इनकम मेथड से सबसे पहला है क्लास वेजेस ये हो गया क्लास कॉम्पनसेशन ऑफ दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस तो ये रहा क्लास आपका ऑपरेटिंग सरप्लस वो कितना है ऑपरेटिंग सरप्लस है प्लस मिक्स इनकम अब रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट कुछ मत लेना क्योंकि तुमको ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है और मिक्स इनकम इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है यू कैन टेक इट जीरो मिक्स इनकम नहीं दिया है ठीक है तो ये कितना क्लास आ गया पाँच सौ बीस और ये सौ दो सौ और सौ तीन सौ पाँच सौ बीस प्लस तीन सौ आठ सौ बीस दस घटा दो तो ये आ गया क्लास एट हंड्रेड टेन बट हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है जी एन पी एम पी हमें निकालना है जी एन पी एम पी गिवन क्या है क्लास एन डी पी एफ सी एन से जी में जाने के लिए प्लस करो एन छोटा है डेपरेशन प्लस करोगे डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस करना एन एफ आई ए पी पी सेम है एफ e सी से एम पी में जाने के लिए प्लस करोगे नेट इन टैक्स ठीक है फिक्स फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है तो अब अगर मैं सॉल्व करके देखूँ तो ये एट हंड्रेड टेन हमने निकाल लिया ऑलरेडी प्लस डिप्रीशिएशन कंजपशन ऑफ फिक्स कैपिटल थर्टी ये थर्टी दिया हुआ है प्लस एन एफ आई ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है माइनस का फाइव ठीक है तो ये माइनस का फाइव है प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो आपको दे रखा है वन ज़ीरो फाइव ठीक है वन ज़ीरो फाइव वन जीरो फाइव तो सॉल्व करो आपके पास आ जाएगा आपका आंसर और एक्सपेंडिचर से भी सेम ही आंसर आना चाहिए तो एट हंड्रेड टेन प्लस थर्टी माइनस फाइव प्लस वन जीरो फाइव इट्स नाइन फोर्टी ये आ गया आपका नाइन फोर्टी अब एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो देखा है छः सौ गवर्नमेंट है दो सौ तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 200, सौ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढते हैं क्लास कहीं दे रखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहा रखा है क्लास आपको ग्रॉस इरा नेट कैपिटल फॉर्मेशन तो भाई डेप एड करना पड़ेगा तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो डेप ऐड करना पड़ेगा तो डेप्रीश अगर फिक्स दिया होता चेंज स्टॉक भी ऐड करते तो डेप्रीशिएशन थर्टी है यहाँ पे प्लस नेट एक्सपोर्ट तो नेट एक्सपोर्ट इस क्वेश्चन में सबसे ऊपर दिया हुआ है फिफ्टीन नेट एक्सपोर्ट दिया है फिफ्टीन तो इसकी टोटलिंग कितनी आएगी छः प्लस दो सो प्लस सौ प्लस तीस प्लस फिफ्टीन ये आएगा नाइन फोर्टी फाइव नाइन फोर्टी फाइव अब हमें निकालना क्या है क्लास यहाँ पे जी एन पी एम पी निकालना है जी एन पी एम पी गिवन क्या है जी डी पी एम पी सब कुछ सेम है डोमेस्टिक से नेशनल माने के लिए प्लस एन एफ आई ए तो नाइन फोर्टी फाइव एन एफ आई ए क्लास आपको माइनस का फाइव दिया गया है सो आ गया नाइन फोर्टी तो अगर आप चेक करोगे जो आंसर इनकम मेथड से आया सेम वही आंसर हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से आया प्रोडक्शन लगाते तो भी सेम आता तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब सिर्फ ये है कि दोनों मेथड की कंपोनेंट अलग अलग है लेकिन दोनों मेथड से जो आंसर आएगा वो रिमेन सेम रहेगा और वो आप किसी भी मेथड से करोगे तो आंसर सेम रहेगा ठीक है तो ये थे मिक्स क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं कैलकुलेट एन एन पी एफ सी आपको निकालना है income income और की और दोनों मैथड से, से, तो से सबसे पहले क्लास अगर मैं बात करू यहाँ पे इनकम मैथड की इनकम मैथड इनकम मैथड से एनडीपीएफसी निकलेगा ठीक है और फिर एनडीपीएफसी को कन्वर्ट कर देंगे इनकम मेथड और इनकम मेथड से निकलेगा एनडीपीएफसी और एनडीपीएफसी कैसे निकालोगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन सॉरी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यहां पे था 400 ठीक है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर्मल लिख के करना रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट है 340 फोर्टी प्रॉफिट तो ऑलरेडी क्लास 340 है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट भी देख लेते हैं कितना है रेंट है सिक्सटी इंटरेस्ट है टू हंड्रेड है नहीं रेंट है सिक्सटी इंटरेस्ट है टू हंड्रेड रेंट है सिक्सटी इंटरेस्ट है टू हंड्रेड और मिक्स इनकम है हंड्रेड मिक्स इनकम क्लास आपको हंड्रेड दे रखा है मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड तो रेंट है इंटरेस्ट है रॉयल्टी नहीं दे रखा आपको प्रॉफिट आपको दे रखा है ठीक है प्रॉफिट कितना है क्लास थ्री फोर्टी डन तो ये हमारे पास आ गया टोटल हमारा एन डी पी एफ़ सी देख लेते हैं कितना है क्लास एन डी पी एफ सी फोर हंड्रेड प्लस सिक्सटी प्लस टू हंड्रेड प्लस थ्री फोर्टी प्लस हंड्रेड ग्यारह सौ एन डी पी एफ सी आ गया हमारा ग्यारह सौ बट हमें चाहिए क्या नेशनल इनकम यानी कि एन एन पी एफ सी गिवन क्या है हमारे पास एन डी पी एफ सी और डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एन एफ आई ए तो ये हो गया क्लास 1100 सौ प्लस एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फिफ्टी है ग्यारह हमारा आंसर आ गया ठीक है अब एक्सपेंडिचर मैथड से एक्सपेंडिचर मैथड एक्सपेंडिचर मैथड इससे क्या निकलेगा जी डी पी एम पी एक्सपेंडिचर मैथड से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा जी डी पी एम पी और उसका फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि 900 है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि 150 है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो ये रहा ग्रॉस फिक्स्ड है 300 तो आपको चें स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा ठीक है प्लस चेंज इन स्टॉक और वो देखा है 50 और देन क्लास हमको ऐड करना पड़ेगा नेट एक्सपोर्ट जो कि है माइनस का 50 नेट एक्सपोर्ट है माइनस 50 तो इससे हमारे पास जीडीपी एमपी आएगा 900 प्लस 150 1050 प्लस 350 और माइनस 15 1350 और हमें निकालना क्या है एनएनपीएफसी गिवन क्या है जीडीपीएमपी ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिशिएशन डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए

तो वो कितना दिया है क्लास इंड टैक्सेस दिया है टू फिफ्टी और सब्सिडी इस क्वेश्चन में दिया है 50, तो 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 मिला के तो अगर आप देखोगे, 1350 -200, 1150. Okay? ये ये देखोगे इट्स ओके बिकॉज कैंसिल हो गया प्लस माइनस इलेवन फिफ्टी ये आ गया क्लास आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको नेशनल इनकम निकालना था दोनों मैथड से इनकम एक्सपेंडिचर से और दोनों मैथड से अगर आप देखोगे तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है ओके okay? टू क्वेश्चन ऑफ फोर अगर मैं क्लास क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर जी डी पी एफ सी निकालना है और पे आपको पूछा क्या है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा हमें क्लास इस क्वेश्चन में फीटा निकालना है तो देखते हैं क्लास कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में फीटा सबसे पहले काम करो तुम देखो जी डी पी एफ सी कैसे निकलेगा जी डी पी एफ सी तो इस क्वेश्चन को देख के मुझे लगता है कि हम इस क्वेश्चन में इनकम मेथड लगाएंगे है ना तो इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलेगा इनकम मेथड लगाओ एनडीपीएफसी सबसे पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एट हंड्रेड फिर रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट तो रेंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सौ पचास गिवन नहीं है रेंट एक सौ पचास इंटरेस्ट है सौ रेंट है 150 फिफ्टी रॉयल्टी ज़ीरो इंटरेस्ट है 100 और प्रॉफिट्स और प्रॉफिट नहीं दिया है तो इसके तीन पार्ट हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिटेन अर्निंग वो नहीं दिया गया अच्छा नहीं प्रॉफिट दे तो रखा है क्लास आप सब पार्ट क्यों लोगे प्रॉफिट आपको 200 दिया हुआ है ऑलरेडी सॉरी प्रॉफिट 200 सौ गिवन है प्लस मिक्स इनकम और मिक्स इनकम इस क्वेश्चन में नहीं दिया आप उसको ज़ीरो मान लो मिक्स इनकम अगर नहीं दिया है आप उसको जीरो मान लो मैक्स इनकम क्लास कितना हो गया जीरो हो गया ठीक है तो ये आ गया आपका एनडीपीएफसी जो कि आएगा एट हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी प्लस हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड ट्वेल्व फिफ्टी बट तुमको क्वेश्चन पूछा क्या है जी डी पी एफ सी तुमको पूछा है जी डी पी एफ सी और तुमने निकाला क्या अभी एन डी पी एफ सी एन से इसे प्लस करो है क्या डिप्रीशियन और बाकी डी पी डी पी सब कुछ सेम है तो 1250 प्लस डेप्रिशिएशन अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेप्रीशियशन देखो कहां दे रखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कहीं नहीं दिया गया है अब यहां पर ये यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुका है पहले भी क्या खास बात है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन गिवन नहीं है लेकिन हम इस क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं मुझे कैसे पता चला कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट आपको भी पता चल जाएगा कि अगर आप ये दो पॉइंट देखो ना ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कहने का मतलब क्या है ये एक ही कॉम्पोनेंट दो बार क्यों दे रहा है तुम्हें क्वेश्चन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जब दे ही दिया तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देने की क्या जरूरत है मतलब इसकी हेल्प से हम डेपरेशन निकाल सकते हैं कैसे ध्यान समझना तुम्हें नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन टू दे रखा है ठीक है ध्यान समझना यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अब फिक्स में चेंज स्टॉक ऐड करेंगे नेट है तो डेप ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक ये फार्मूला मैंने तुमको लिखवाया था जब मैंने तुम्हें एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया था पहले ठीक तो है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट है तो डेप ऐड करेंगे और फिक्स है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो इस हिसाब से हमारा आ जाएगा और ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तीन है और ये तुम्हें दे रखा है तीन ये तुम्हें दो दे रखा है डेप तुमको नहीं दिया वो यही निकलेगा और जो चेंज इन स्टॉक है वो फिफ्टी है कितना कितना है तो 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 अगर आप देखोगे तो 50 आ गया so, depreciation जो आया आया आपके पास वो कितना class आ गया है? 50. तो यहां रख दो आपका थर्टीन हंड्रेड ठीक है ये हो गया थर्टीन हंड्रेड अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इनकम मेथड लगा के एनडीपीएफ से निकाला फिर जी से निकाला आप अगर थोड़ा क्वेश्चन देखते तो ये ऑलरेडी गिवन था जीएनपी एन एम क्या आप जीएनपी एन एम को सीधा कन्वर्ट नहीं कर सकते थे जी डी पी एफ सी में आपने इतनी मेहनत क्यों करी आपने इनकम मेथड लगाया फिर आपने उसे कन्वर्ट किया सीधा जब एक कंपोनेंट गिवन था आपने तो ये पढ़ाया एक कंपोनेंट गिवन हो तो बाकी कंपोनेंट निकाल लोगे आप आराम से तो इसमें गिवन था लेकिन एक प्रॉब्लम होती क्या होती हम प्रैक्टिकली देखते हैं करके जी एन है ना हमें काम करते हैं जी एन पी एम पी को इधर रखते हैं और हमें निकालना क्या था जी डी पी एफ सी है ना जी डी पी एफ सी निकालना है गिवन क्या है जी एन पी एम पी तो हम अब करते हैं क्लासेस को कन्वर्ट जी से जी सेम है नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्लास क्या करना है नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक छोटा तो माइनस करोगे एन एफ आई ए पी पी सेम है एम पी से एफ सी में जाने के लिए माइनस एन आई टी ठीक है एन आई टी माइनस करोगे तो ये जी एन पी एम पी तुम्हें कितना दिया हुआ है जी एन पी एम पी फोर्टीन हंड्रेड तो यहाँ रख दो फोर्टीन हंड्रेड अब एन एफ आई तुम्हें गिवन नहीं है तो फीफा माइनस फीटा फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड है सिक्सटी और factor इनकम टू अब्रॉड यहाँ पे कहीं भी गिवन नहीं है तो आप बोलोगे सर आपने तो कहा था अगर फीटा नहीं गिवन है जीरो मान लो मैंने कहा था जीरो मान लो इस क्वेश्चन में भी जीरो मान लेता मैं बट इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही है कि फिटा निकालो तो जो तुम्हें निकालने के लिए बोल रहा है तो जीरो कैसे मान लोगे? वो कह रहा है कि फीटा निकालो तो आप जीरो नहीं मान सकते तो यहां पे अटक गए आप, तो अगर मैं जी एन पी एम पी को कन्वर्ट करके जी डी पी एफ सी निकालता तो मेरे यहाँ अटक जाता कि मेरे पास फीटा है ही नहीं इसीलिए क्लास मैंने ऐसे ना निकाल के मैंने मेथड लगाया इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकाला फिर कन्वर्ट किया जीडीपीएफसी में भाई मेरी बात समझ रहे हो तो अब तुम क्या करोगे क्लास ध्यान समझना अब तुम्हें क्या करना है तेरह सो यहाँ रख दो सो अब सॉल्व करो क्लास इसको यह आएगा थर्टीन हंड्रेड इधर भेज दो थर्टीन हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड इज इक्वल टू ये माइनस सिक्सटी प्लस टू अब थर्टीन हंड्रेड माइनस फोर्टीन हंड्रेड प्लस सिक्सटी प्लस वन ट्वेंटी एटी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारा आ गया 80 क्वेश्चन पूछ रहा था फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है वो हमने निकाल थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है छह नंबर का बट ऐसे आपको ध्यान रखना है इस चीज को ठीक है आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा फोर्थ क्वेश्चन ठीक है वीडियो पॉज करके नोट कर लेना नाउ मूव टू क्लास क्वेश्चन नंबर फाइव फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जी डी पी एम पी एंड सब्सिडीज अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें तुमको सब्सिडी पूछा है राइट सब्सिडी पूछा है तो तुम एक काम करो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मैथड निकालो और जी डी पी एम पी निकालो एक्सपेंडिचर मैथड से ठीक है तो बाई यूजिंग एक्सपेंडिचर मैथड जी डी पी एम पी इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन ढूंढो कितना है प्राइवेट फाइनल है नहीं कहीं पेरा चौवालीस हजार रुपए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सात हजार रुपए तो प्राइवेट है फोर्टी फोर थाउजेंड गवर्नमेंट है सात हजार प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये रहा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर फिक्स्ड है तो भाई चेंज स्टॉक ऐड करना पड़ेगा तेरह हजार प्लस दस हजार ठीक है तेरह हजार प्लस दस हजार ये आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट अब नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 4800 एट हंड्रेड माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस तो ये हो गया क्लास चौवालीस हजार प्लस सात हज़ार प्लस तेरह हजार प्लस दस हज़ार प्लस अड़तालीस सौ माइनस छप्पन सौ आ गया सेवेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ये आ गया आपका जी डी पी एम पी तो ये सिंपल तरीके से क्लास आप जी डी पी एम पी इस तरीके से निकाल लोगे इनकम मेथड नहीं लग पाता बिकॉज एक ही कॉम्पोनेंट गिवन है ज्यादा कुछ कॉम्पोनेंट है नहीं इसके इसीलिए आपने एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल दिया अब तुम्हें सब्सिडीज फाइंड आउट करनी है सब्सिडीज ठीक है एक चीज देखो आपको अब आप किसी बच्चे को लग सकता है कि सर आपने मेथड से जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने मेथड से निकाला आपको ये गिवन तो था एनएनपीएफसी आप इसी से कर लेते हैं जी डी पी एम पी कन्वर्ट करके आपने मेहनत क्यों की इतनी तो करके देखते हैं एन एन पी एफ सी एन एन पी एफ सी गिवन है हमें एन एन पी एफ सी और हम निकालेंगे क्या जी डी पी एम पी ये प्लस करोगे डिप्रीसीशन ठीक है और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए प्लस करोगे एन एफ आई एफ सी से एम पी में जाने के लिए प्लस करोगे एन आई टी है ना नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एन एफ आई होगा ना हाँ माइनस एन एफ आई है नेट से ग्रॉस में प्लस डेप्रिशिएशन नेशनल से डोमेस्टिक जाने, जाने के लिए माइनस एन एफ आई है एफ सी से एम एम प्लस एन आई ठीक है तो ये तुम्हें कितना दे रखा है एन एन पी एफ सी सिक्सटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड प्लस डेप्रिशिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कहाँ ये रहा डेप्रीसी फोर थाउजेंड डेप्रीशियशन तुम्हें दे रखा है फोर थाउजेंड माइनस एन एफ आई ए तो तुम्हें देखोग देखा है क्लास नेट ए रहा एन एफ आई ए डायरेक्टली देखा है माइनस का थ्री हंड्रेड नेगेटिव का तो दो बार नेगेटिव आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस एन आई टी इंडरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी अगर नहीं दिया हो तो तो इसमें इंडाक्ट टैक्स दिया गया है लेस सब्सिडी नौ हजार का इंडारेक्ट टैक्स है अगर सब्सिडी नहीं गिवन है तो जीरो मान लेते हैं ना लेकिन इस क्वेश्चन में जीरो नहीं मानना क्यों इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही है सब्सिडी पूछ रहा है अब जो चीज क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको जीरो कैसे मान लोगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह अब सॉल्व करो सॉल्व हो ही नहीं सकता ये इसीलिए मैंने ऐसे नहीं करके मैंने एक्सपेंडिचर मेथड लगाया और फिर इसको सॉल्व किया अब आप एक काम कर सकते हो अब आपने ये तो निकाल लिया है तो यहाँ पुट कर दो सेवेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड अब ये निकल आएगा सब्सिडी आंसर तो सिक्सटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड प्लस फोर थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस नाइन थाउजेंड ये आ गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस सब्सिडीज़ इधर आएगा सेवेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड अब इधर भेज दो सब्सिडीज को सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस सेवेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ये गया अठारह सौ सब्सिडीज का जो आंसर आपके पास आ गया है वो आ गया एटीन हंड्रेड का बात समझ आ गई क्लास यहाँ तक तो इस तरीके से आपको सवाल करने होते हैं तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं अलग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन इसलिए क्लास मैंने इसके लिए सेपरेटली

प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड तो अगर मेरे को ये ये और ये मिल जाए तो ऑपरेटिंग सरप्लस इजीली निकल आएगा तो ढूंढते हैं सबसे पहले क्लास देखो अब ये क्या गिवन है क्लास जी डी पी एम पी अठारह सो पर मुझे यहां एनडीपीएफसी चाहिए तो मुझे चाहिए क्या एनडीपीएफसी गिवन क्या है जी डी पी एम पी

माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस वो है इनर टैक्स सॉरी इंडायरेक्ट टैक्स कहाँ ये रहा माइनस सब्सिडी तो ये 250 फिफ्टी माइनस फिफ्टी टू ठीक है ये हो गया और 1800 ये तो आ गया सीधा सीधा 1400 ठीक है एम पी में माइनस है नाइटी यहाँ रख दो क्लास 1400 हंड्रेड इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा होगा आपको अच्छा वो निकालना है क्या अच्छा कॉम्पनशन ऑफ इंप्लाइज निकालना है ओके अच्छा ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकालना है तो एक काम करो ना ऑपरेटिंग सरप्लस फिर दूसरे तरीके से निकालो ऑपरेटिंग सरप्लस फिर इस तरीके से मत निकालो फिर आप एक काम करो ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू बिकॉज ये दोनों ही गिवन नहीं है तो कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स एड करो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा तो रेंट ढूंढो कितना है क्लस प्रॉफिट है दो सौ रॉयल्टी है बीस प्रॉफिट है दो सौ रॉयल्टी है बीस रेंट और इंटरेस्ट देखो कितना है रेंट है सौ इंटरेस्ट है पचास रेंट है सौ इंटरेस्ट है पचास सौ प्लस बीस प्लस पचास प्लस दो सौ तीन सौ सत्तर तो ये आ गया क्लास कितना थ्री हंड्रेड सेवेंटी तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 370 प्लस मिक्स्ड इनकम और सीओई निकालना था अब सीओई निकल आएगा चेक करो मिक्स uh, इनकम है क्या क्वेश्चन में मिक्स uh, इनकम नहीं है तो जीरो मान लो मिक्स इनकम को ठीक है तो so, 1400 हंड्रेड माइनस थ्री सेवेंटी इज इक्वल टू सी ओ सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉज इज इक्वल टू 1400 हंड्रेड माइनस थ्री सेवेंटी इट्स वन जीरो थ्री जीरो तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्लास आ गया आपका कितना हजार तीस वन जीरो थ्री जीरो बात आई समझ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वन जीरो थ्री जीरो आपका आंसर आ गया तो यार इस टाइप से जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है उन सबको हमने डिस्कस कर लिया आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूँ इस तरीके से नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर लिए और एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इसको क्लास आप इंश्योर कर सकते हो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको जी डी पी एम पी आपको जी डी पी एम पी दे रखा है आपने कन्वर्ट किया एनडीपीएफसी में और फिर आपने फॉर्मूला पुट किया ऑपरेटिंग सब इस क्वेश्चन में रेंट रोइी इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रखा है आपने चारों को ऐड किया ऑपरेटिंग सप्लस आ गया सिंपल थ्री सेवेंटी और फिर आपने ऑपरेटिंग सप्लस की वैल्यू रख दी और सीओ निकला है, जीरो दे रखा है ठीक है तो ये क्लास हो गया आपका पूरा पोर्शन एंड उम्मीद है क्लास न्यूमेरिकल आपको अच्छे समझ आएगा अगर आपको अच्छे समझ आए तो, तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो टेल्ले एग्जामिनेशन तक क्लास आपको वैल्यू मिलेगा इस चैनल से अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो आई होप क्लास आप सपोर्ट करने के लिए इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओगे पूरा योद्धा बैच चल रहा है अकाउंटिंग हो बी एस टी सब कुछ इसमें फ्री चल रहा है क्लास डेली बेसिस वीडियोज़ आ रही है क्लास मैं शुरू से बिलीव करता हूँ स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ोगे तो एंड में दिक्कत नहीं आएगी एंड में सिर्फ वन शॉट देख के पेपर देने जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा एनजाइटी स्ट्रेस होगा और उतना नंबर नहीं आएंगे अगर आप चाहते हो सी में अच्छे से स्कोर करना तो यहाँ ट्वेल्थ को भी अच्छे से निपटाना पड़ेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेके हुआ गॉड ब्लेस